नमस्कार दोस्तों, और आपका स्वागत है मेरे आज के वीडियो में। भाई, अमेजोन की सेल फाइनली खत्म होने वाली है। दिवाली तक टाइम है आप लोगों के पास टू बाय अ टीवी इफ यू वांट टू। आज की वीडियो एक कंपैरिजन वीडियो होने वाली है बिटवीन दी हाइसेंस E7K प्रो और Xiaomi की X प्रो। दोनों ही प्रो प्रो वाले मॉडल्स हैं। आई नो आप सोच रहे होंगे, भाई एक क्यूलेट है एक क्यूलेट नहीं है, तो क्या ये एक फेयर कंपैरिजन है और ये कंपैरिजन आप क्यों कर रहे हो? भाई, ये कंपैरिजन मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि प्राइस ब्रैकेट अगर आप देखेंगे Xiaomi की X Pro की, तो दैट कम्स एट अराउंड 45,000 राउंड फिगर, और इस प्राइस ब्रैकेट में आपको क्यूलेट्स भी मिलते हैं। तो आई वांटेड टू मेक अ वीडियो, अ कंपैरिजन वीडियो ऑन टीवीज जो इस 45,000 की प्राइस ब्रैकेट में आते हैं। इसीलिए ये कंपैरिजन मैं आज के दिन में कर रहा हूं, बिकॉज हम बहुत बार बजट के हिसाब से भी आइटम्स खरीदते हैं, प्रोडक्ट्स खरीदते हैं अपने बजट के हिसाब से। तो वीडियो शुरू करने के पहले हर एक वीडियो की तरह डिस्क्लेमर मानना जरूरी है, भाई ये एक रिव्यू वीडियो नहीं है। तो अगर आप एक रिव्यू वीडियो देखना चाहते हैं, यू कैन वॉच माई हाइसेंस की E7K Pro की डिटेल्ड हैंड्स ऑन रिव्यू। एक्स प्रो मेरे पास है नहीं, तो अनफॉर्चुनेटली इसकी हैंड्स ऑन रिव्यू मेरे पास है नहीं, पर आप दूसरे हैंड्स ऑन रिव्यू देख सकते हैं। ये हैंड्स ऑन रिव्यू वाला वीडियो नहीं है, दिस इज एन इंफॉर्मेशनल वीडियो। तो यहाँ पे मैं ढेर सारा इन्फॉर्मेशन इन मॉडल्स के ऊपर जो अलग अलग साइट पे मिलते हैं वो इस एक वीडियो में इकट्ठा करके आपको इस एक वीडियो में प्रस्तुत करके ये बताऊंगा मेरी पर्सनल ओपिनियन जो है कि आपको इन दो टीवीज में से कौन सी टीवी लेनी चाहिए और क्यों लेनी चाहिए। तो दैट सेट, डिस्क्लेमर हो गया, अब वीडियो शुरू करते हैं। हर एक वीडियो की तरह मैं उन्हीं पॉइंट्स पे फोकस करूंगा जो मेरे हिसाब से मायने रखते हैं। मैं फीचर बाय फीचर एकदम स्पेक शीट देख के आपको ये कंपैरिजन नहीं करने वाला हूं। तो लेट्स स्टार्ट विद पोर्ट्स एंड कनेक्टिविटी। देखिए, पोर्ट्स एंड कनेक्टिविटी के मामले में द क्लियर विनर हियर मेरे हिसाब से विल बी हाइसेंस E7K Pro। व्हाई? बिकॉज़ इट हैज ऑल द राइट पॉइंट्स कवर्ड, यानी चार HDMI पोर्ट्स हैं यहां पे, और आज के दिन में ज्यादा से ज्यादा HDMI पोर्ट्स होना कितना जरूरी हो गया है। तो कंसिडरिंग दैट HDMI पोर्ट्स चार मिलेंगे आपको यहां पे, और Xiaomi में आपको सिर्फ तीन HDMI पोर्ट्स मिलेंगे, और इसके जो HDMI पोर्ट्स भी है ना E7K Pro के, दो है 4K 60 हर्ट्ज और दो है 4K 120 हर्ट्ज वाले HDMI पोर्ट्स। तो ये भी काफी अच्छी बात है E7K Pro के बारे में। अब दोनों ही में eARC का सपोर्ट मिल रहा है, बिकॉज दोनों में HDMI 2.1 मिल रहा है। USB पोर्ट आपको सिर्फ एक मिलेगा Xiaomi X Pro में, सॉरी दो मिलेगा Xiaomi X Pro में, और वो भी सिर्फ USB 2.0 मिलेगा, USB 3.0 नहीं मिलेगा। आपको USB 2 मिल रहे हैं E7K Pro में, एक USB 2.0 टीवी के पीछे लगा हुआ है और एक साइड में USB 3.0 मिलेगा आपको। ऑप्टिकल पोर्ट दोनों में है, ईथरनेट लैंड पोर्ट दोनों में अवेलेबल है, दोनों टेलीविजन में डुअल बैंड वाईफाई भी अवेलेबल है, ब्लूटूथ का स्टैंडर्ड 5.1 है, और फार फील्ड माइक्स आपको सिर्फ Xiaomi की X Pro में मिलेगा। हालांकि आपको ये जो E7K Pro है उसकी रिमोट में जो है आपको एक बटन मिल जाएगा, डेडिकेटेड बटन, जिसे आप दबा करके कोई भी वॉइस असिस्टेंट का सपोर्ट यूज कर सकते हैं। अच्छी बात ये है बाय द वे कि आपको E7K Pro में एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन वॉइस असिस्टेंट्स के सपोर्ट मिलेंगे, यानी उसमें आप गूगल, अलेक्सा और विडा की अपनी खुद की वॉइस असिस्टेंट है, तो आप तीन असिस्टेंट्स को, तीनों में से कोई भी आप एक चूज कर सकते हैं एट वन टाइम। ऐसा नहीं कि आप तीनों एक ही टाइम में चला सकते हैं, सो यू कैन स्विच बिटवीन देम एंड ट्राई आउट व्हिच वर्क्स आउट बेस्ट फॉर यू। और Xiaomi में आपको हैंड्स फ्री वॉइस असिस्टेंट का सपोर्ट भी मिलेगा, और इसके अलावा रिमोट में भी आपका एक बटन होगा टू यूज द गूगल का वॉइस असिस्टेंट। तो ये रहा पोर्ट्स एंड कनेक्टिविटी की बात। इस मामले में मेरे हिसाब से हाइसेंस आगे है, बारिंग दैट फार फील्ड माइक, जिसका मैं एनीवेज फैन नहीं हूं। आई स्टिल लाइक द गुड ओल्ड रिमोट, मुझे आज भी रिमोट उठा करके वॉल्यूम घटाना बढ़ाना अच्छा लगता है, rather than saying a voice command, which is very slow in my personal opinion. अब अगर audio and sound की अगर हम बात कर लें, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी आपका Hisense E7K Pro आगे निकल जाता है, because इसमें आपको एक dedicated subwoofer भी मिलेगा, जो TV के पीछे है। अगर आप Hisense E7K Pro देखेंगे, तो E7K Pro की listing में आप जा करके TV को पीछे से देखेगा। इसकी अगर आप 360 वाली view देखेंगे, TV के पीछे आपको ठीक एक subwoofer मिल जाएगा, पर आपको ऐसा कोई सब वूफर MI में नहीं मिलेगा। अगर आप MI की टीवी देखेंगे, MI की टीवी की अगर आप डिजाइन देखेंगे और इसकी 360 वाली पिक्चर्स देखेंगे, तो यहाँ पे आपको कोई सब वूफर नहीं मिलेगा। इसका मतलब है डाउन फायरिंग स्पीकर है, और वो भी सिर्फ 40
वॉच के स्पीकर्स आपको अवेलेबल है यहाँ पे, जबकि आपको E7 के प्रो में 49 वॉट्स मिल रहे हैं, विच आर कंपेरेटिवली बेटर। और एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप इसकी 43 इंच वाली मॉडल ले रहे हैं Xiaomi की X Pro की, तब आपको 40 नहीं 30 वॉट्स के स्पीकर्स मिलेंगे, तो साउंड आपका और भी घट जाएगा। साइज के बाद में मैं थोड़ी देर में और अच्छे तरीके से बात करूंगा। तो वूफर का होना यानी साउंड का फिडेलिटी जो है वो ऑब्वियसली बेटर होने वाला है E7 के प्रो में। स्पीकर सेटअप इसलिए 2.1 का है क्योंकि एक स्पीकर भी आ गया है, वूफर भी आ गया है टीवी के पीछे। डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट दोनों में अवेलेबल है, DTS का सपोर्ट दोनों में अवेलेबल है, DTS:X का सपोर्ट दैट इज। तो दैट वेज बोथ आर इवनली मैच, बट साउंड के भी मामले में E7 के प्रो कम्स आउट ऑन टॉप। आगे अगर बढ़ेंगे कॉन्फ़िगरेशन एंड OS की अगर हम बात कर लेंगे, देखिए मैं हर एक वीडियो में मेरी बताता हूँ और आई साउंड लाइक अ ब्रोकन रिकॉर्ड नाउ, बट टीवी मैन्युफैक्चरर्स इन 2023 नाउ मूविंग इनटू 2024, अगर आप गूगल टीवी वाले टीवीज लॉन्च कर रहे हैं ना, यू शुड एटलीस्ट गिव 3GB रैम एंड एटलीस्ट 32GB का इंटरनल स्टोरेज, बिकॉज 2GB एंड 16GB बहुत कम है। और अगर आप Xiaomi की सब ब्रांड यानी Redmi की X वाली सीरीज की टीवीज ले लेंगे ना, उसमें तो 8GB का रैम मिलता है आपको, सॉरी 8GB का इंटरनल स्टोरेज नॉट रैम, 8GB का इंटरनल स्टोरेज, रैम 8GB का रैम होता तो यार टीवी इतना फास्ट हो जाता, 8GB का इंटरनल स्टोरेज, अगेन लेट मी करेक्ट माई सेल्फ, तो 16GB इज लेस मेरे हिसाब से, क्योंकि आपको बार बार मेमोरी में जाके उसका कैश को डिलीट करके टीवी अगर आप फास्ट यूज करना चाहते हैं वो करना पड़ता है, क्योंकि गूगल टीवी OS इज अ वेरी हैवी टीवी OS। ऑन द अदर साइड 3GB ऑफ रैम ऑन Vira टीवी OS इज सुपर फास्ट, बिकॉज Vira टीवी OS इट्स अ लिनक्स बेस्ड टीवी OS और बहुत ही लाइट है। 8GB इंटरनल स्टोरेज मेरे हिसाब से तो ठीक है, बिकॉज देखिए इतने सारे एप्स आपके अवेलेबल है भी नहीं वैसे भी Vira के ऐप स्टोर में, तो यहाँ पे Xiaomi का एडवांटेज ये है कि गूगल टीवी OS होने के कारण प्ले स्टोर में और ज्यादा एप्स अवेलेबल है और ज्यादा गेम्स अवेलेबल है, पर 16GB इंटरनल स्टोरेज है। और यहाँ पे Hisense E7K Pro में 8GB का इंटरनल स्टोरेज है, पर दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी एनफ, बिकॉज देखिए एंड्रॉइड गेम्स तो आपको यहाँ पे मिलेंगे नहीं और गेम्स भी नहीं मिलेंगे, जो गेम्स भी है ना वो लाइक 1990s के जो अर्ली बच्चे वाले गेम्स आते थे वैसे मिलेंगे आपको यहाँ पे, तो खेलने का कोई मजा नहीं है। और इसके अलावा एप्स भी उतने अवेलेबल नहीं है जितने प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। आप मुझे अगर पूछेंगे भाई जियो टीवी जियो सिनेमा क्या अवेलेबल है, नहीं इट्स नॉट अवेलेबल ऑन Vira टीवी OS। मुझे बहुत लोगों ने यह भी पूछा है कि आप ब्राउजर के थ्रू आप उसे चला सकते हैं, वो भी मैंने ट्राई कर लिया, ब्राउजर के थ्रू भी नहीं चलेगा जियो सिनेमा। और रही बात हॉटस्टार की, अब आपको डिज्नी हॉटस्टार Hisense की Vira टीवी OS में भी मिलेगा, पर वो 1080p पे चलता है। आप मेरी हैंड्स ऑन रिव्यू देख सकते हैं जो मैं लिंक कर दूंगा यहाँ पे कहीं पे स्क्रीन पे, तो आप उसे आई वाला बटन दबा करके देख सकते हैं ताकि आपको एक पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाए Hisense की E7K Pro की Vira टीवी OS के बारे में। अब क्वाड कोर प्रोसेसर दोनों में अवेलेबल है और यहाँ पे देखिए इट्स अ पर्सनल प्रेफरेंस, अगर आप मुझे पूछेंगे मेरी पर्सनल प्रेफरेंस, आई लाइक comparatively lighter TV OS like Tizen, Web OS या Hisense की Vira OS compared to Google, because Google मेरे हिसाब से बहुत lag करता है after a certain amount of time। आपको अगर fast performance चाहिए तो आप उसकी memory को clean करते रहिएगा, आपको फिर ठीक ठाक performance मिलेगा, पर अगर आपके TV में ना 3GB और 32GB storage होता ना, that would have been enough। तो if you are buying a TV, look at 32GB RAM, 32GB internal storage and 3GB RAM वाले TVs। By the way, fun fact, Candy TVs में आपको 32GB internal storage मिलता है और higher TVs में भी आपको 32GB के internal storage मिलेंगे। Now let's move on to the most important aspect of today's video, जो display and picture quality है। अब देखिए यहाँ पे Hisense E7K Pro में मैंने DLED VA और IPS panel इसलिए लिखा हुआ है, हालांकि आज की video specifically is about the 55 inch, पर अगर आप 65 inch लेते हैं तो 65 inch में IPS panel मिलता है E7K Pro पे। अब Xiaomi की जो X Pro है उसमें no matter what size you buy 43, 50, 55 आपको VA panels ही मिलेंगे। रही brightness की बात, यहाँ पे 400 nits लिखा हुआ है Hisense E7K Pro, चाहे वो 55 or 65 inch हो, but let me tell you from my personal experience, the 65 inch is brighter than 400 nits। मैं आपको वो भी बता दे रहा हूँ। Xiaomi की हमेशा से historically ये problem रही है कि वो कभी भी अपनी brightness के बारे में कोई भी information नहीं देते हैं। और अगर आप हिस्टोरिकली उनके टीवीज में ब्राइटनेस लेवल्स चेक करेंगे तो दे हैव बीन वेरी पुअर कंपेयर्ड टू अदर मॉडल्स इन द सेम प्राइस रेंज, यानी उनकी ब्राइटनेस ऑन एन एवरेज रही है अराउंड 280 टू 300 निट्स। तो ब्राइटनेस के मामले में ऑब्वियसली Hisense इज कंपैरेटिवली बेटर ईयर,
कॉन्ट्रास्ट रेशियोज की अगर हम बात कर लें, देखिए 4000:1 का कॉन्ट्रास्ट रेशियो आपको 55 इंच में मिलेगा और 5500:1 का कॉन्ट्रास्ट रेशियो आपको Xiaomi के X Pro में मिलेगा। देखिए कॉन्ट्रास्ट रेशियोज की अगर हम बात कर लेना, इट्स नॉट अ बिग डील, आई मीन दीज नंबर्स डोंट मैटर मच। एट द एंड ऑफ द डे हम कोई मेजरिंग डिवाइस लेकर के नहीं बैठेंगे जहां पे हम कॉन्ट्रास्ट रेशियोज मेजर करने के लिए बैठे हुए हैं, हम टीवी देखते हैं एंजॉय करने के लिए। और मेरे हिसाब से 4000:1, इनफैक्ट इवन 1200:1 का कॉन्ट्रास्ट रेशियो जो मेरी आईपीएस वाले 65 इंच E7K प्रो में है, दैट इज ऑल्सो प्रिटी गुड। अब Xiaomi की कॉन्ट्रास्ट रेशियोज हिस्टोरिकली हैव बीन वेरी गुड, उनकी पिक्चर क्वालिटी भी अच्छी ही है, पर उनका जो ब्राइटनेस लेवल्स है वो इतना अच्छा नहीं है। और मैं हर एक वीडियोस में ये भी बोलता रहा हूँ इन द पास्ट कि अगर आपको HDR कंटेंट एंजॉय करना है, वो भी एक ब्राइटली लिट रूम में, तो आपको मिनिमम 350 निट्स की ब्राइटनेस जरूरी होगी। उसके अगर नीचे है देन यू विल नॉट बी एबल टू एंजॉय HDR इन अ ब्राइट रूम। आप अगर लाइट्स को बुझा देंगे, एकदम अंधेरा करके देखेंगे, देन यस यू विल बी एबल टू एंजॉय HDR कंटेंट इन अ डार्क रूम, इवन इफ इट्स 300 निट्स 280 निट्स। पर ब्राइट रूम में अगर आप देख रहे हैं, प्लीज नोट यू नीड अ ब्राइट पैनल, और यहाँ पे Hisense E7K Pro कम्स आउट ऑन टॉप। अब रिफ्रेश रेट में भी इट कम्स आउट ऑन टॉप बिकॉज आपको नेटिव 4K 120Hz का सपोर्ट तो मिलता ही है, प्लस आपको 144 का बूस्ट भी मिलता है और 240Hz का भी रिफ्रेश रेट मिलता है एट 1080p। तो अगर आप गेमिंग करना चाहते हैं, दिस इज डेफिनेटली अ बेटर टीवी फॉर यू स्ट्रेट ऑफ द बैट। 4K 60Hz आपको मिल रहा है Xiaomi की X Pro में, Dolby Vision IQ दोनों में अवेलेबल है, HDR 10 Plus दोनों में अवेलेबल है, HLG ऑटो लो लेटेंसी मोड का सपोर्ट भी दोनों में अवेलेबल है, पर वेरिएबल रिफ्रेश रेट का सपोर्ट आपको सिर्फ E7K Pro में मिलेगा। और यहाँ पे आपको इनफैक्ट फ्री सिंक प्रीमियम मिलता है, नॉट जस्ट फ्री सिंक बट फ्री सिंक प्रीमियम, तो वो भी अच्छी बात है। HGIG वो बोलते नहीं है यहाँ पे Hisense E7K Pro में, बट डायनामिक टोन मैपिंग है अवेलेबल, बट सिंस दे हैव नॉट एडवर्टाइज्ड इट एज HGIG, मैं यहाँ पे इसलिए इसको रेड मार्क करके रखा हूं। पर मैं आपको ये बता दूं कि Hisense की E7K Pro में भी आपको डायनामिक टोन मैपिंग मिलता है। HGIG इज नथिंग बट अ डायनामिक कलर टोन मैपिंग जो LG HGIG बुलाती है, तो LG के टीवीज में जनरली आपको HGIG मिलेगा। अब सोनी के जो रीसेंट मॉडल्स है, जो X सीरीज है उनकी 2023 वाली, उसमें भी आपको ऑटो HDR टोन मैपिंग मिलता है। तो लेट मी टेल यू अगेन कि E7K Pro में डायनामिक टोन मैपिंग है, पर वो HGIG बोल करके एडवर्टाइज नहीं करते हैं। आपको सेटिंग्स में वो ऑप्शन अवेलेबल मिलेगा, पर Xiaomi की X Pro में डायनामिक टोन मैपिंग इज नॉट अवेलेबल। डेडिकेटेड गेम सेटिंग्स, एक पैनल, पूरा आपको पैनल मिलता है Hisense की E7K Pro में, सो दिस इज डेफिनेटली गियर टूवर्ड्स द गेमर्स। और अगर आप गेमिंग करते हैं, आपको नेक्स्ट स्लाइड पे जाने की जरूरत भी नहीं है, यहीं पे डिसीजन बना लीजिए, E7K Pro इज द क्लियर विनर हियर। और आपको ऐसा कोई सेटिंग्स पैनल Xiaomi की X Pro में नहीं मिलता है। लेट्स टॉक अबाउट द प्राइस एंड फाइनली कंक्लूड दिस वीडियो। आपको सो फार तो ये एक भनक सी मिल गई होगी, एक अंदाजा हो गया होगा कि आज के ये कंपैरिजन में विनर इज क्लियरली Hisense E7K Pro, कोई दो बात नहीं है उसकी। आई मीन सिंपल विनर है आज का, और वो है Hisense E7K Pro, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स गेमिंग कैपेबिलिटीज बट ऑल्सो बिकॉज ऑफ इट्स प्राइसिंग। अब प्राइसिंग देखिए, यहाँ पे अगर आप देखेंगे प्राइसिंग में 7000 रुपए का डिफरेंस है, और आप 7000 रुपए में ना एक साउंड बार भी खरीद सकते हैं, हालांकि आपको उसकी जरूरत भी नहीं होगी बिकॉज Hisense E7K Pro की साउंड इज प्रिटी गुड, यू डोंट नीड अ साउंड बार इफ यू हैव अ रूम ऑफ 200 टू 250 स्क्वायर फीट। तो 7000 रुपया आप बचाते हैं, प्लस आपको क्या मिल रहा है, यू आर गेटिंग अ ब्राइटर पैनल, यू आर गेटिंग अ QLED बाय द वे, यहाँ पे आपको क्वांटम डॉट लेयर भी मिल रहा है जो Xiaomi X Pro में नहीं मिल रहा है, आपको गेमिंग के बहुत सारे फीचर्स मिल रहे हैं, आपको नेटिव 4K 120Hz वाला पैनल मिल रहा है, आपको बेटर साउंड मिल रहा है। सो हालांकि इट इज 7000 रुपीज चीपर, इट इज अ मच बेटर टीवी इन टर्म्स ऑफ व्हाट इट इज ऑफरिंग, एंड फ्रॉम द प्राइस टू वैल्यू रेशियो आज का जो विनर है वो क्लियरली Hisense की E7K Pro है। पर अगर आपको छोटी टीवी चाहिए, यानी 50 इंच की, अगर आपके घर पे स्पेस का कंस्ट्रेंट है, देन यू कैन कंसिडर X Pro, बट देयर अदर बेटर टीवीज अगेन, एंड आई एम गोना टॉक अबाउट दैट इन द वर्दी ऑल्टरनेटिव्स के बारे में जब मैं बात करूंगा। सो 55 इंच क्लियरली Hisense E7K Pro, इनफैक्ट 65 इंच भी, बिकॉज Xiaomi के X Pro में आपको 65 इंच का ऑप्शन मिलता भी नहीं है, सिर्फ 4350 एंड 55 इंच में अवेलेबल है। अब रही बात वर्थी ऑल्टरनेटिव्स की, Xiaomi आदमी क्यों लेना चाहेगा, क्योंकि बजट टीवीज में Xiaomi की जो आफ्टर सेल्स नेटवर्क है ना वो कंपैरेटिवली बेटर है, और अगर आप
वारंटी की भी अगर आप बात कर लेंगे तो यहाँ पे अगर आप वारंटी की इन्फॉर्मेशन देख लेंगे, आपको यहाँ पे 1 साल की वारंटी मिल रही है, जबकि हाईसेंस में आपको 3 साल की वारंटी मिल रही है बाय द वे। तो वारंटी के भी मामले में हाईसेंस इज कंपेरेटिवली बेटर, बट आप बोलेंगे भाई हाईसेंस वारंटी तो दे रहा है, आफ्टर सेल सर्विस में तो Xiaomi की आफ्टर सेल सर्विस नेटवर्क इज कंपेरेटिवली बेटर। आई एग्री, पर अगर आप 45,000 रुपीज खर्च कर रहे हैं तो वाई विल यू बाई अ Xiaomi? यू कैन बाय एन LG, की LG UR750 7500 जो है 7500 आपको सेम प्राइस में मिल रहा है 44999, सो व्हाई विल यू बाय अ Xiaomi? दिस इज एन LG, LG की पीस ऑफ माइंड, LG की आफ्टर सेल्स सर्विस नेटवर्क आपको मिल रही है, दिस इज आल्सो कंपैरेटिवली ब्राइटर, दिस इज आल्सो एन IPS पैनल इन 55 इंच, आपको LG का वेब OS मिल रहा है, जो मेरे हिसाब से आई पर्सनली प्रेफर वेब OS ओवर गूगल टीवी OS। सो गेम ऑप्टिमाइजर मिल रहा है यहाँ पे आपको तो डॉल्बी विजन आप मिस करेंगे यहाँ पे, पर अगेन इट्स दैट LG पीस ऑफ माइंड, LG आफ्टर सेल सर्विस, बिकॉज यू आर स्पेंडिंग द सेम अमाउंट ऑफ मनी। 45,000 आप Xiaomi की एक्सप्रो में क्यों खर्च करेंगे? और अगर आपको एक IPS पैनल चाहिए फुल अरे लोकल डिमिंग के साथ, बिकॉज आपको हाइसेंस की E7K प्रो में फुल अरे लोकल डिमिंग नहीं मिलता है, और मैंने अपनी हाइसेंस E7K प्रो के डिटेल रिव्यू में ये भी बताया है कि पैनल की जो क्वालिटी है ना, वो मुझे हाइसेंस U7H की पैनल और ज्यादा बेटर लगती है देन हाइसेंस की E7K प्रो। तो अगर आप कंटेंट देखते हैं और थोड़ा बहुत गेमिंग करते हैं, बिकॉज गेमिंग के मामले में भी ये काफी तगड़ी है, यहाँ पे भी आपको 4K 120Hz मिल रहा है, यहाँ पे भी आपको FreeSync प्रीमियम मिल रहा है, पर यहाँ पे आपको फुल अरे लोकल डिमिंग मिल रहा है जो आपको E7K प्रो में नहीं मिल रहा है। तो अगर आप पैनल की बैक लाइटिंग की यूनिफॉर्मिटी देखेंगे, अगर आप पैनल की क्वालिटी को देखेंगे, तो U7H की पैनल मेरे हिसाब से इज कंपेरेटिवली बेटर, अगर मैं इसे E7K प्रो से कंपेयर करूंगा, एंड दैट्स व्हाई इट्स डेफिनेटली अ वर्दी ऑल्टरनेटिव। सिर्फ 2,000 रुपये ज्यादा है इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग, बट आई थिंक दैट 2,000 रुपीज एक्स्ट्रा इज स्टिल वर्थ इट। और आप सोच रहे हैं नई टीवी कम प्राइस है, पुरानी टीवी ज्यादा प्राइस कैसे? क्योंकि अगेन आई एम टेलिंग यू द पैनल इज कंपेरेटिवली बेटर इन U7H कंपेयर टू E7K प्रो, तो ये आप ध्यान में रखिएगा, दैट्स व्हाई इट्स वन ऑफ द वर्दी ऑल्टरनेटिव्स। पर आज की जो वीडियो है उसमें क्लियर विनर इज हाइसेंस की E7K प्रो। गाइस आई रियली नीड योर सपोर्ट, बिफोर आई एंड दिस वीडियो आई वांट टू रीच आउट टू यू एंड आई वांट टू टेल यू कि आपकी जो एक छोटी एफर्ट जो लाइक और सब्सक्राइब बटन दबाने में जाती है ना, उससे मेरे चैनल को बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलता है यार। तो आपके लिए फ्री भी है, ऑल यू गॉट टू डू इज जस्ट पिक अप योर फिंगर, पुट इट ऑन द माउस, क्लिक दैट लाइक एंड सब्सक्राइब। अगर आप फोन पे हैं तो बस उंगली उठा करके, बोलना नहीं चाहता हूँ उंगली कर दीजिएगा, बट आई मीन उंगली से दबा दीजिएगा लाइक और सब्सक्राइब वाली बटन को, और साथ ही में बेल आइकन भी जरूर दबा दिए, ताकि जब भी मैं एक नई वीडियो अपलोड करूं आपको पता चल जाएगा कि पंची मैन की एक नई वीडियो आ गई है। नाउ विद दैट सेड, अगर आपके कोई सवाल हो इन टीवीज को लेकर के या कोई भी दूसरे टीवीज को लेकर के, प्लीज रीच आउट टू मी इन द कमेंट सेक्शन, मैं आपके हर एक सवाल का जवाब आप तक जल्द से जल्द जरूर पहुंचा दूंगा। पर आज के वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, एंड ओ या बिफोर आई फॉरगेट, आप एक और वे में मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। मैं कुछ कुछ टीवीज आपको रेकमेंड करूंगा अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और अगर आप उन लिंक्स को क्लिक करके इन टीवीज को खरीदते हैं, मेरे चैनल को एक सपोर्ट मिलेगा, उस तरीके से भी आप मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। तो बिफोर गोइंग अगेन इट्स अ रैप फॉर दिस वन, लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबा दिए दोस्तों, एंड आई विल सी यू लवली फोक्स इन माय नेक्स्ट वीडियो। अंटिल दैट टाइम आई विल से टेक केयर, स्टे सेफ, एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।